नमस्कार नेशन वन की खास पड़ताल ओटीपी का जाल में मैं लीली आप सभी का स्वागत करती हूं। नेशन वन की इस खास मुहिम में आज हम बात कर रहे हैं बड़े खुलासे की, किस तरह से देश की राजधानी में फल फूल रहा है कब्जेदारों का कारोबार। ये हम आपको किसी भू माफिया, अवैध खनन या सड़क रेलवे के कब्जे की बात नहीं बता रहे, बल्कि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सफेदपोश व्यापारी ने रेस्टोरेंट के नाम पर पूरे डीडीए सुपरमार्केट पर 35 सालों से लगातार अवैध कब्जा किया हुआ है। देखिए क्या है पूरा मामला। जहां दो दो सरकार, वहीं अवैध कारोबार। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में भारत सरकार और दिल्ली सरकार की पैनी निगहबानी के बीच सरेआम डीडीए के कॉम्प्लेक्स में उडुपी रेस्टोरेंट की चल रही है मनमानी। सरेआम नियमों को ताक पर रखकर किया है डीडीए की संपत्ति पर कब्जा और हर साल सरकारी खजाने को ओडीपी लगा रहा है लाखों करोड़ों का चूना। दिल्ली के मुनीरका में दिल्ली विकास प्राधिकरण के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में गुरु प्रसाद ओडीपी रेस्टोरेंट संचालित होता है। इस रेस्टोरेंट में अलॉटमेंट से ज्यादा एरिया में अवैध कब्जा किया हुआ है। अलॉटमेंट क्षेत्र केवल 148 वर्ग मीटर होने के बाद भी हकीकत में करीब 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर ओडीपी का कब्जा है। सीटें लगाने की इजाजत 50 से कम होने के बावजूद 500 से अधिक सीटें बगैर अनुमति के लगाई गई हैं। इस समय हम खड़े हैं गुरु प्रसाद ओडीपी मुनेरका में, जो दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी में स्थापित एक रेस्टोरेंट है। 1985 से ये रेस्टोरेंट लगातार चल रहा है। हमारी जानकारी के अनुसार इसको डीडीए से 148.17 वर्ग मीटर का अलॉटमेंट, लगभग 1600 स्क्वायर फुट का अलॉटमेंट है। लेकिन जिस तरह यहाँ हमें स्थिति दिख रही है, डीडीए सुपर बाजार की पूरी छत गुरु प्रसाद ने एक्वायर कर रखी है अनधिकृत रूप से। तो सुना आपने, पहले अतिक्रमण किया, फिर बालकनी बनाई, हॉल भी बनाया। पिछले 35 सालों से उडुपी की यहाँ इस तरह से मनमानी चल रही है। मदनलाल खुराना का राज रहा हो, चाहे सुषमा स्वराज से लेकर शीला दीक्षित का शासन, यहाँ डंका उडुपी का ही बजा। आम आदमी ने सरकार बनाई तो लगा कि इस खास आदमी की दादागिरी अब नहीं चलेगी। लेकिन क्या मजाल जो कोई ओडीपी का बाल भी बांका करते। ऐसा नहीं है कि किसी को इसकी भनक नहीं हो। सिस्टम ने कई बार नोटिस भेजा, फिर भी कब्जा बरकरार रहा। बुलडोजर भेजा, लेकिन बुलडोजर ने भी घुटने टेक दिए। यहीं इस समय पे आपने देखा, हमारा कैमरामैन पूरी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं और यहीं पे खड़े होके हम ये बात आपको बता रहे हैं। यहाँ पे अलॉटमेंट सिर्फ 1500-1600 स्क्वायर फुट का, कागजों में जो है और लाइसेंस में सिर्फ 48 सीटों का ये रेस्टोरेंट है, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा सीटें बैठाने की व्यवस्था है। इस तरह से यहाँ राजस्व की चोरी, यहाँ पे अतिक्रमण का और अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है। तस्वीरें खुद सारा सच बयां कर रही है। किचन, हॉल, कुर्सियां, छत पर बेंच, कूलर और गुरु प्रसाद ओडीपी रेस्टोरेंट का ये बोर्ड इस गोरख धंधे की तस्दीक कर रहे हैं। मुनीरका रिंग रोड पर खुलेआम संचालित डीडीए सुपरमार्केट की छत पे चल रहा ये गुरु कृपा ओडीपी रेस्टोरेंट, जिसकी सीमाएं 48 सीटों की है, जिसकी अनुमति 48 सीटों की है और 400 से अधिक सीटें यहां लगातार संचालित होती हैं। 3 किचन यहां चल रही हैं। कितने बड़े राजस्व की यहां पे हानि हो रही है, एक बड़ा सवाल पैदा करती है, क्योंकि रिपोर्ट और अकाउंट्स में लगातार रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो इसी प्रकार अपनी इनकम को दिखाता है और बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है, राजस्व को कितना लगातार 35 सालों से ये चूना लगता आया है। क्यों विभाग चुप है, क्यों अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है, क्यों किसी सरकार को ये नहीं दिख रहा, एक बड़ा सवाल राजधानी में खड़ा है। माजरा आप भी समझ गए होंगे, ये ना सिर्फ अतिक्रमण है बल्कि सरकारी खजाने को लगाया जा रहा है चूना। 48 सीटों की अनुमति के कागज हैं तो जाहिर है कि टैक्स भी इतनी ही सीटों के हिसाब से बनता होगा।
डीडीए को राजस्व भी 148 वर्ग मीटर का ही दिया गया। रेस्टोरेंट की ग्रेडिंग भी 48 सीट क्षमता की आंकी गई। पिछले 35 सालों से न जाने कितने करोड़ के व्यापार कर और राजस्व का चूना विभागों को लगाया गया होगा। डीडीए व्यापार कर विभाग, दिल्ली सरकार, नगर निगम, आयकर विभाग समेत दिल्ली पुलिस को मौन रखना आसान काम नहीं है। तो साफ है कि सिस्टम के बड़े आकाओं की आंख यूं ही नहीं बंद है। अब नेशन वन ने सारे मामले को आपके सामने खोल दिया है। अब जिम्मेदारी है सरकारी पहरेदारों की कि वो जागें, अवैध अतिक्रमण को हटाएं, 35 साल का हर्जाना वसूलें और कानून के अनुसार उडीपी के कर्ता धर्ताओं को दंड दिलवाएं। साथ ही पिछले 35 सालों से जिनकी शह पर ये सारा खेल चल रहा है उनको भी सलाखों के पीछे भिजवाएं। उडीपी के इस गोरख धंधे पर हमारी पड़ताल जारी रहेगी। नेशन वन के लिए अनुपम खत्री की रिपोर्ट। नेशन वन से मैं अनुपम खत्री अपने सहयोगी मनीष शर्मा के साथ। तो देखा आपने किस तरह से मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध कब्जेदार अपनी मनमानी कर रहा है। ओडीपी के जाल की ये तो वानगी भर है। जाने कितने सफेद पोश इसमें शामिल हैं और इसके जाल का दायरा मुनीरका के बाहर भी फैला हुआ है। तो लगातार हमारी पड़ताल जारी है। आज के लिए इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।